295 विमान और इसकी निर्माण परियोजना का महत्व। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने वडोदरा में एयरबस डिफेंस एंड स्पेस एसए स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड टीएसएल द्वारा स्थापित की जाने वाली C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। ये पहली बार है जब कोई निजी क्षेत्र की कंपनी देश में एक पूर्ण विमान का निर्माण करेगी। C-295 मेगावाट ट्रांसपोर्टर। परिचय। C-295 समसामयिक तकनीक के साथ 5-10 टन क्षमता का परिवहन विमान है। यह मजबूत और भरोसेमंद होने के साथ साथ एक बहुमुखी एवं कुशल सामरिक परिवहन विमान है जो कई अलग अलग मिशनों को पूरा कर सकता है। विशेषताएं। इस विमान को 11 घंटे तक की उड़ान क्षमता के साथ सभी मौसमों में बहु भूमिकाओं में संचालित किया सकता है। ये रेगिस्तान से लेकर समुद्री वातावरण तक नियमित रूप से दिन के साथ साथ रात के दौरान युद्ध अभियानों को संचालित कर सकता है। इसमें सैनिकों और कार्गो की त्वरित प्रतिक्रिया तथा पैरा ड्रॉपिंग के लिए रियर रैंप दरवाजा है। अर्ध निर्मित सतहों से शॉर्ट टेक ऑफ लैंड इसकी एक और विशेषता है। प्रतिस्थापन। ये भारतीय वायुसेना के एवरो 748 विमानों के पुराने बेड़े की जगह लेगा। एवरो -748 विमान एक ब्रिटिश मूल के ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप ब्रिटिश ओरिजिन ट्विन इंजन टर्बोप्रॉप सैन्य परिवहन और 6 टन माल ढुलाई क्षमता वाला मालवाहक विमान है। परियोजना निष्पादन। टीएसएल एरोस्पेस क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल के तहत वायुसेना को नए परिवहन विमान से लैस करने की परियोजना को संयुक्त रूप से निष्पादित करेगा। एयरबस द्वारा सितंबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच उड़ान भरने में सक्षम पहले 16 विमानों की आपूर्ति की जाएगी, जबकि शेष 40 को टीएएसएल द्वारा सितंबर 2026 से वर्ष 2031 के बीच प्रतिवर्ष 8 विमानों की दर से भारत में असेंबल किया जाएगा। इस विनिर्माण सुविधा का महत्व। रोजगार सृजन। टाटा कंसोर्टियम ने 7 राज्यों में फैले 125 से अधिक इन कंट्री एमएसएमई आपूर्तिकर्ताओं की पहचान की है। ये देश के एयरोस्पेस पारितंत्र में रोजगार सृजन में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। यह उम्मीद जताई गई है कि सीधे 600 उच्च कुशल रोजगार, 3000 से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार और 3000 अतिरिक्त मध्यम कौशल रोजगार के अवसर के साथ भारत के एयरोस्पेस एवं रक्षा क्षेत्र में 42.5 लाख से अधिक काम के घंटे सृजित होंगे। एमएसएमईएस को प्रोत्साहन। ये परियोजना भारत में एयरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देगी, जिसमें देश भर में फैले कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमईएस विमान के कुछ पुर्जों के निर्माण में शामिल होंगे। आयात पर निर्भरता कम होना। इससे घरेलू विमानन निर्माण में वृद्धि होगी, जिसके परिणाम स्वरूप आयात पर निर्भरता कम होगी और निर्यात में अपेक्षित वृद्धि होगी। बड़ी संख्या में डिटेल पार्ट्स, सब असेंबलिंग और मेजर कंपोनेंट का निर्माण भारत में किया जाएगा। अवसंरचनात्मक विकास। इसमें हैंगर, भवन, एप्रन और टैक्सीवे के रूप में विशेष बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा। डिलीवरी के पूरा होने से पहले भारत में C-295MW विमानों के लिए डी लेवल सर्विसिंग सुविधा MRO स्थापित करने की योजना है। यह उम्मीद की जाती है कि यह सुविधा C-295 विमान के विभिन्न रूपों के लिए एक क्षेत्रीय MRO रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब के रूप में कार्य करेगी।